अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय रेसिपी। आज मैं आपको जो रेसिपी बताऊंगी वो रमज़ान के हवाले से बहुत स्पेशल है। जैसे जैसे ये रेसिपी आगे बढ़ेगी आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कप मैदा लिया है, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, ड्राई अज्जा को मिक्स कर लें, 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करें। ऑयल और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इतना मिक्स करें कि जैसे मैं आपको बॉल दिखा रही हूँ वो वैसी बन जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त सा आटा घोल लें। आज मैं आपको जो रेसिपी बताऊँगी वो छोले चाट के साथ और दही बड़ों के साथ आप स्नैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतनी खस्ता और कुरकुरी बनेगी कि अगर आपने एक दफ़ा अपने घर वालों को खिला दी तो वो हर रोज़ आपको इसी फरमाइश करेंगे। आटा घूनने के बाद उसे चेक करें कि वो परफेक्ट बना है या नहीं। आटे को खींचकर देखें, अगर वो नहीं टूट रही इसका मतलब आपकी डो परफेक्ट बनी है। 10 मिनट के लिए आटे को रेस्ट दे देंगे ताकि वो ठहर जाए। रेस्ट देने के बाद डो को 2 से 3 मिनट और घूनें। घूनने से हमारी डो और भी परफेक्ट हो जाएगी और जो हम चीज़ बना रहे हैं वो ज़बरदस्त सी बनेगी। आटा घूनने के बाद डो को हम 2 हिस्सों में तकसीम करके पतली सी रोटी बना लेंगे, इतनी पतली जितना पतला कागज़ होता है। आपको जो मैं रेसिपी बता रही हूँ वो टोटली हाइजेनिक है। अक्सर हम बाहर से ये ख़रीदते हैं रमज़ानों के महीने में और इसको हम बहुत शौक से भी खा रहे होते हैं। ये जिस ऑयल में बनते हैं अगर आपने एक दफ़ा जाकर देख लिया तो कभी भी बाहर से नहीं खरीदेंगे। आपकी कोशिश रहेगी कि घर में ही बना लें। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है कि मैं इसका क्या बना रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आटे पर मैदा डस करके उसकी रोटी बना लें। कुछ लोग इसे छोटे छोटे वीड़े बना के भी बेलते हैं लेकिन उससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। चाहे तो आप बड़ा सा आटा बेलकर बहुत सारे बना सकते हैं। यहाँ मैंने स्टील का गिलास लिया है और आटे पर गोल गोल से शेप बनाए हैं। अगर आपके पास गोल कटर अवेलेबल हो तो आप उससे भी आराम से बना सकते हैं। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। अगर आप लोग नहीं गैस कर पाए तो मैं पापड़ियाँ बना रही हूँ। सबसे अहम बात, पापड़ी को गोल शेप देने के बाद कांटे से उस पर छेद कर दें ताकि आपकी पापड़ी तेल में जाकर पूरी ना बन पाए। बस फ्राई करने के दौरान आपको एक बात का ख्याल रखना है, इनको ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई नहीं करना। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो फ्लेम पर होना चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये आपको पता है हमारी पापड़ी पतली है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर डालेंगे तो पापड़ी ऊपर से लाल हो जाएगी और वो अंदर से क्रिस्पी भी नहीं हो पाएगी। जैसे ही आप इसे बाहर निकालेंगे तो वो नरम पड़ जाएगी और आपकी सारी मेहनत बेकार। अगर आप ऐसी छोटी छोटी टिप्स को अपना लेंगे तो आपकी पापड़ियाँ परफेक्ट बनेंगी। और माशाल्लाह से हमने 1 कप से 30 पापड़ियाँ बनाई हैं। अब मैं आपको पापड़ी तोड़ के दिखाती हूँ कितनी खस्ता और कुरकुरी बनी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।